भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, मतलब उससे पहले जो 19 था वो क्या था, मतलब भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में मैं जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो मेरा इन्फॉर्मेशन होगा भारत शासन अधिनियम 1919 से। आप लोगों ने सुना भी होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935, परंतु मैं इस वीडियो में अभी 1919 का जिक्र कर रही हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भारत शासन अधिनियम 1935 भी लेके आऊँगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि भारत शासन अधिनियम 1935 क्या था, मतलब उससे पहले जो 19 था वो क्या था, मतलब भारत शासन अधिनियम 1919 क्या था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? तो सबसे पहले आप लोग ये जानते हो कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है। तो यानी कि भारत का संवैधानिक विकास, कंस्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का संवैधानिक विकास दो तरीके से होता है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित किए गए जो अधिनियम थे उनसे। दूसरा, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए थे उनसे। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए थे उन अधिनियमों में पांचवा अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1919। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि 1919, तो ये जो 1919 है इसको मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू जो थे वो भारत में राज्य के सचिव थे, सचिव के नेता थे, और जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत में वायसराय थे। तो अभी ये तो बात क्लियर हुई कि इन्हें क्यों जाना जाता है, क्यों ऐसे नाम से पुकारा जाता है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था, ठीक है, और जो आपका द्वित शासन व्यवस्था है इसकी, और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, इन तीनों की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 से ही होती है। फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको फिर इसके अंतर्गत क्या किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया। पहला विषय जो था वो था स्थानांतरित विषय, और दूसरा जो था वो था संरक्षित विषय। तो जो संरक्षित विषय था इसके अंतर्गत क्या किया गया, संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, और इसमें जो संघीय बजट थे, संघीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत क्या किया गया, और भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसमें पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी प्राप्त हुआ था। और फिर मैं आपको बता दूं, भारत शासन अधिनियम जो 1919 था ये भारतीयों के जो उनके भारतीयों के विचार थे उनके महत्वाकांक्षाओं को, उनके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। ये जो अधिनियम था 1919 असफल रहा, और एक समय से एक तरह से कहा जा सकता है कि इसका वास्तविक जो उद्देश्य था, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत का आर्थिक शोषण किया जा सके, लंबे समय तक उनको लंबे समय तक गुलाम बना के रखा जा सके। तो इस अधिनियम का मेन उद्देश्य यही था। तो दोस्तों, आपका ये रहा भारत शासन अधिनियम 1919। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भारत शासन अधिनियम 1935 भी लेके आऊँगी। धन्यवाद।